बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशंस का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.26 है। 2 by x + 3 by y = 2, उसके बाद कह रहे हैं 8 by x + 9 by y = 7। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.26 गिवन है और इसकी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास कह रहे हैं 2 by x + 3 by y = 2, उसके बाद कह रहे हैं 8 by x + 9 by y = 7। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने लिख लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन वन, और इसको हम क्या नाम देंगे, इक्वेशन टू, बिकॉज वैल्यू पहले ही अरेंज है। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी डिवाइड फॉर्म में, बटे वाले फॉर्म में, यानी देखिए ना 2 by x, 3 by y। तो इसको इन जो वैल्यूज है हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इजीली। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, इससे जो पहले लेक्चर थे, स्पेशली जो फर्स्ट लेक्चर था साइमल्टेनियस इक्वेशंस का, मैंने आपको बताया था कि आसान ट्रिक ये है कि आप इक्वेशन वन हो या टू हो, दोनों में आप किसकी वैल्यू इक्वल करें, एक्स की वैल्यू आपस में इक्वल करके फिर उसके बाद हम उसको सब्ट्रैक करते हैं, प्रॉपर जो मेथड होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स लेट्स सी, देख लेते हैं हमारे पास इक्वेशन वन में एक्स की वैल्यू क्या है, 2 डिवाइड फॉर्म में, और इक्वेशन टू में एक्स की वैल्यू क्या है, 8। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन वन को 2 by x, 3 by y, और 2 को, इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 से, और इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से। अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। अब इक्वेशन 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, तो स्टूडेंट्स 2 8 जा कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय x ही रहेगा, सिर्फ जो वैल्यूज होती है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर स्टूडेंट्स 3 को 8 से करेंगे, 24 बाय y आ जाएगा, इक्वल टू 2 8 16 आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वैल्यूज गिवन है इसको 2 से, तो 8 2 16 by x + 9 2 18 by y आ जाएगा, इक्वल टू 7 2 14 आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन 4 का नाम देंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। और देखें, हमने x की वैल्यू इक्वल करनी थी जो हम पहले भी कर चुके हैं, तो हमारे पास देखें 16 by x, 16 by x, x के वैल्यू सेम आ गई हैं। अब यहां क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनको सबट्रैक्ट यानी कैंसिल करना है। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू इक्वल आ चुकी है, लेकिन दोनों इक्वेशन में जो इनके साइन है वो प्लस प्लस के हैं, तो हम प्लस में आपस में कैंसिल नहीं कर सकते। सो हमें जो इक्वेशन ये वाली गिवन है 4, जो नीचे वाली इक्वेशन गिवन है, इनके हमें वंस अगेन साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब यहां पे साइन क्या प्लस, तो इधर माइनस कर देंगे, इधर जो प्लस है ये भी माइनस, और ये जो प्लस है ये भी माइनस कर देंगे। अब स्टूडेंट्स ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये प्लस है और ये माइनस हो गया है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 24 माइनस 18 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय y आ जाएगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स जरा देखिएगा, प्लस में से माइनस किया ना, तो 24 माइनस 8 हमारे पास आ गया 6 बाय y इक्वल टू, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हमारे पास 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये जो y है यहां पे क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी यहां पे 6 बच जाएगा, और यहां पे जो y y इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी 2 * y हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये 2 है, y से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, सो 6/2 हो जाएगा इक्वल टू y, यानी y इक्वल टू 2 * 2 = 2 * 3 = 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नीचे लिख लेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, सेम इक्वेशन वन की तरह इसमें पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो इक्वेशन वन है वो प्रॉपर क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू होगी 2 by x + 3 by y = 2। अब स्टूडेंट्स 2 by x लिख लेंगे प्लस 3 अपनी जगह, और y हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, वो यहां पुट कर लेंगे इक्वल टू 2। अब यहां स्टूडेंट्स हम यहां पे आ जाते हैं, अब 2 by x अपनी जगह रहेगा प्लस अपनी जगह 3 3 जरा आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कट जाएंगे ना, तो 1 1 यानी कि 1 ही 1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू आपस में कट गई है इक्वल टू
टू आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स टू बाई एक्स, ये प्लस वन इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो टू बाई एक्स इक्वल टू वन बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो x इधर डिवाइड हो रहा है सेम लाइक दिस, यहां पे जो y डिवाइड हो रहा था इधर मल्टीप्लाई हो गया था, सो यहां पे जो x डिवाइड हो रहा है इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 2 इक्वल टू 1x आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो 1x से मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा 2 ही आएगा। सो तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू जो हमारे पास 3 आ चुका है और यही आपके आंसर है। स्टूडेंट्स यहां तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।